ओडा सेंसे हर वीक बैंगर पे बैंगर ड्रॉप करे जा रहे हैं, क्योंकि वन पीस के लास्ट दो चैप्टर के अंदर हमको इतनी सारी चीजें रिवील करी गई है। इतनी तो हमें जिंदगी में कभी देखने को ही नहीं मिली थी। हम तो बस सोचते रहते थे कि ऐसा क्या हुआ गॉड वैली पे जिसने वन पीस कीवर्ड को पूरा चेंज करके रख दिया। हम तो बस सालों से फैन थ्योरीज ही बना रहे थे कि गॉड वैली कैसी जगह होगी, उसके ऊपर क्या हुआ होगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दो तीन चैप्टर के अंदर हमको गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में पूरा का पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमको ऐसी बहुत सारी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। जहाँ पर पहले तो हमको गॉड वैली के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता चली है और साथ साथ हमको सैटर्न की पावर के बारे में पता चला। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सैटर्न भी इमॉर्टल हो सकता है, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें सैटर्न के जख्म भरते हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा है कि सैटर्न भी यहाँ पर रिवर्स का टेक्निक यूज कर रहा है। लास्ट वाले चैप्टर के एंडिंग में बोरिन ने सैटर्न को काफी ज्यादा गंदा स्टैप कर दिया था, लेकिन लेटेस्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में सैटर्न सबको बोलता है कि भाई अगर मुझे बोनी के अटैक को ब्लॉक करना होता तो मैं आग बंद करके भी कर देता। यहाँ पर सैटर्न भाई साहब सबको अपनी पावर्स दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि वो भी इमॉर्टल ही है, क्योंकि उस बंदे के सारे जख्म एकदम से भर के आ रहे थे, जिसको देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे स्ट्रॉ हैट तो एकदम से चोग ही गए। सैटर्न भाई साहब बोनी की तलवार को अपनी छाती से बाहर निकाल के अपने सारे के सारे जख्म एकदम से डिसअपीयर कर देते हैं और एकदम से भाई बोनी और सांजी की आंखों में देख के उन लोग को नॉकआउट कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भाई सैटर्न भाई साहब की आंखें कुछ ज्यादा ही चमकीली हो चुकी है, भाई कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है यार। सैटर्न भाई साहब के आंखों से एकदम से ब्लैक टाइप की ऑरा बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा है कि भाई सांजी और बोनी का सामना तो किसी डेविल से हो रहा है, जिसको देखने के बाद में दोनों के दोनों एकदम से नॉकआउट होकर ब्लीड आउट हो जाते हैं। सैटर्न इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो किजारू को देख के बोलता है कि भाई तेरा साबुन तो कुछ ज्यादा स्लो हो चुका है, आजकल जो काम तुझे दिए वो भी तू टाइम पे कभी कर नहीं पा रहा है। क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर लूफी ने बुढ़ा होते होते ही किजारू को कुछ ज्यादा ही गंदी वाली लात मार दी थी, जिसकी वजह से किजारू ग्राउंड के ऊपर नॉकआउट हो चुका था। और यहाँ पर लूफी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया था अपने गेयर फाई की वजह से और वो एकदम से ग्राउंड के ऊपर पड़ा था। और भाई यहाँ पर सैटर्न तो आ ही चुका था और उसके सामने भाई लूफी इस वाले हालत में पड़ा है, तो भाई सैटर्न तो उसके ऊपर हमला करने वाला था। लूफी को ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए देखने के बाद में सैटर्न यहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर भाई गॉड निका को अपने पैरों से ही कुचल देते और यहाँ पर इसका खेल खत्म कर देते हैं। लेकिन भाई जैसे ही सैटर्न लूफी को मारने वाला होता है, वहां पर भाई फ्रैंकी आके लूफी को जैसे तैसे करके बचा लेता है। फ्रैंकी ने यहाँ पर लूफी को एक हाथ से होल्ड करके रखा था, लेकिन भाई सैटर्न की पावर इतनी ज्यादा मिस्ट्रियस, इतनी ज्यादा डरावनी थी कि सैटर्न की आंखों में देखने के बाद में यहाँ पर फ्रैंकी ना ही बोनी ना ही सांजी अपनी जगह से हिल पा रहे थे। एक तरीके से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो ग्रेविटी की वजह से पूरी की पूरे जमीन पर धस चुके हैं। यहाँ पर वेगा पंक ये सब देख के एकदम से समझ जाता है कि ये कोई साइंटिफिक पावर्स तो हो नहीं सकती, ये तो भाई सैटर्न के डेविल फ्रूट्स की पावर्स है। वहां पर वेगा पंक सोचने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो भी एक जगह पे स्टक ही हो चुका था। उतने में भाई सैटर्न फिर से बोनी को अपने हाथों में ग्रैब करके उसको कुचलने का ट्राई करता है। वहां पर बोनी रोए जा रही थी, बोले जा रही कि सैटर्न तुमने मेरे पापा को मारा है। सच में यार यहाँ पर भाई बोनी को इस वाले हालत में देखने के बाद में थोड़ा सा इमोशनल तो लगता ही है। भाई बंदी कुछ भी नहीं कर सकती भाई इस वाले बंदे के सामने, क्योंकि सैटर्न तो ठहरा फाइव एल्डर में से एक, भाई उसकी पावर्स तो अभी तक हमारे लिए मिस्टीरियस है, सबको पता ही नहीं कि उसके पावर्स की फुल कैपेबिलिटी क्या है। उतने में वहां पर बोनी रोते रोते हुए फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है, जहां पर उसको कुमा गॉड निका के बारे में कुछ बता रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि भाई वन पीस के वर्ल्ड के अंदर जितने सारे भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है सबको भाई गॉड निका के बारे में ऑलरेडी पता है। फ्लैशबैक के अंदर कुमा बोनी को ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की रिदम सुना के बोल रहा होता है कि मुझे भी भाई गॉड निका टाइप हीरो बनना है, जो कि लोगों के दुख खत्म करके उनके जिंदगी के अंदर थोड़ी सी हैप्पीनेस लाएगा। उसके बाद में ये वाला फ्लैशबैक खत्म होता है, हमको भाई सैटर्न के मुंह से कुमा के रेस के बारे में कुछ पता चलता है। सैटर्न बोलता है कि कुमा बुकनियर रेस से बिलोंग करता था, इन लोग ने पास्ट के अंदर कोई तो एक क्राइम करा था, यहाँ पर हमको पता नहीं चला है कि कौन सा क्राइम करा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इन लोग के अंदर जायंट्स का ब्लड है, शायद से ये लोग हाफ ह्यूमन हाफ जायंट हो सकते हैं। अगर कुमा सच में हाफ ह्यूमन और हाफ जायंट है तो उसके पावर्स के बारे में भी हमको पता चल जाता है कि भाई कुमा इतने दिनों तक भाई कैसे स्लेव बन के घूमा और भाई बंदे के पास में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा रॉ पावर्स है। यहाँ पर समझ में आता है कि भाई कुमा यहाँ पर सच में हाफ ह्यूमन और हाफ जायंट का बच्चा है। और भाई कुमा की इसी सीक्रेट बात का पता वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल जाता है और वहाँ पर रहे भाई सिनिस्टर ड्रैगन और उन लोग को तो भाई अलग अलग स्पेसिस को अपना स्लेव बनाने में तो काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए भाई वो हाफ जायंट और हाफ ह्यूमन को क्यों छोड़ेंगे, इसलिए वो कुमा की पूरी फैमिली को उठा लेते और उनको अपना स्लेव बना लेते हैं। कुमा के स्टार्टिंग के लाइफ से ऐसा लग रहा है कि ये बंदा भाई स्टार्टिंग में भी स्लेव था, मरने टाइम भी वो स्लेव ही बन गया। भाई यहाँ पर कुमा के बैक स्टोरी को ज्यादा ही सैड लग रही यार। कुमा की मॉम की डेथ होने के बाद में वहाँ पर कुमा
के फादर उसको गॉड निका के बारे में बता रहे होते हैं और वहीं पर भाई वो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की रिदम कुमा को सुना रहे होते हैं। उतने में भाई पीछे से एक सिनिस्टर ड्रैगन आता है, भाई कुमा के फादर का हेड ही उड़ा देता है। भाई कुमा के साथ में तो भाई स्टार्टिंग से इतनी ज्यादा बुरी चीजें होती रही है। आगे चल के हमको चैप्टर के अंदर गॉड वैली की बिगिनिंग, या हम बोल सकते कि गॉड वैली के ऊपर एकदम से स्लेव हंटिंग केसेस शुरू हो गई थी, इसके बारे में पता चला। जिस सिनिस्टर ड्रैगन ने कुमा के फादर को मारा था उसका नाम है टेंड्रू बीटो। इसी बंदे ने भाई गॉड वैली के ऊपर सारा हाहाकार मचा के रखा था। टेंड्रू बीटो हर 3 साल बाद भाई मरीजबा से बाहर निकल के एक आईलैंड पे जाता था जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के कब्जे में नहीं था। उस वाले आईलैंड के ऊपर जाने के बाद में वो एकदम से अपने सारे के सारे स्लेव्स को रिलीज कर देता था, उन लोग को हंट करता था और अपने स्लेव्स को मारने के साथ साथ वहां पर जो उस वाले आईलैंड के नेटिव लोग थे उन लोग को भी एक टाइप से हंट करता था। ये जो आईलैंड था इसका नाम था गॉड वैली जो कि ईस्ट ब्लू के अंदर था। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही वर्ल्ड गवर्नमेंट इस वाले आईलैंड को भी अपने कब्जे में ले लेती है। ये सब होते टाइम जब गॉड वैली का किंग भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट को रोकने आता है वहां पर भाई अपने गार्लिंग भाई साहब आके भाई उस वाले किंग को ही मार देते हैं। अगर सच में गार्लिंग शांक्स का बाप है तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि भाई शांक्स को इतनी ज्यादा फ्रीडम क्यों मिल रही थी, क्योंकि गार्लिंग ने तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट या हम बोल सकते कि सिनिस्टर ड्रैगन के लिए अपने हाथ तो काफी ज्यादा गंदे करे हैं। जो कि हमको पता भी चलता है कि जब गॉड वैली के ऊपर स्लेव्स को मारा जाता था तब वहां पर भाई गार्लिंग भाई साहब हमेशा हुआ करते थे, जो कि हमको पता भी चलता है क्योंकि जब जब गॉड वैली के ऊपर स्लेव्स को मारने का टूर्नामेंट हुआ करता था तब तब वहां पर अपने गार्लिंग भाई साहब हमेशा हुआ करते थे सिनिस्टर ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं पर हमको गार्लिंग के यंगर वर्जन का एक पैनल दिखाई देता है जिसके अंदर अपना सैटर्न भाई साहब भी था जो कि भाई हजारों सालों से बुढ़ा ही है, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर के अंदर जैसा भी सैटर्न है वैसा ही वो भाई पता नहीं कितने सालों पहले भी था। और अगर हम गार्लिंग के यंगर वर्जन को देखे तो एग्जैक्टली शांक्स जैसा ही दिखता है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शांक्स गार्लिंग का ही बेटा है। ऐसा हो सकता है कि गार्लिंग ने सिनिस्टर ड्रैगन से शादी कर ली और अपना शांक्स आ गया, इसलिए अपना शांक्स भी एक टाइप से सिनिस्टर ड्रैगन ही है, जो कि एक टाइप से फैन थ्योरी को भी सर्च कर देता है कि भाई शांक्स सिनिस्टर ड्रैगन ही है, इसलिए वो मरीजबा के अंदर कभी भी जाके कभी भी वापस आ सकता है। सैटर्न उस टाइम गॉड वैली के ऊपर क्या कर रहा था वो तो हमको नहीं पता चला है, लेकिन यहाँ पर हमको पता चला है कि कुमा बचपन से बार बार भागने का ट्राई करता था लेकिन भाई इसको हमेशा पकड़ लिया जाता था। उसके बाद में सीधा हमको एक लास्ट पैनल दिखा जाता है जहाँ पर दो स्लेव्स भाई अपने कुमा को एकदम से ड्रैग करके लेके जा रहे हैं, जो कि और कोई नहीं जीनी गिमी है, जहाँ पर जीनी निकनेम है युवांको का हमको यहाँ पर यंगर वर्जन देखने को मिला है और यहाँ पर पता नहीं चला है कि ये गिमी कैरेक्टर असलियत में है कौन। लेकिन अभी यहाँ पर हमको एक चीज पता चल जाता है कि भाई कुमा और युवांको कैसे मिले थे जिसको अभी जीमी बुलाया जा रहा है। शायद से अभी हमें आगे आने वाले चैप्टर के अंदर पता चल जाएगा कि रिवोल्यूशनरी आर्मी की शुरुआत कैसी हुई थी, क्योंकि अभी तो बस ये शुरुआत ही है, क्योंकि आगे चल के हमको और भी बहुत सारे रिव्यूज देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई वन पीस के चैप्टर तो काफी ज्यादा बैंगर ही चल रहे हैं, हर चैप्टर के अंदर हमको भाई कुछ ना कुछ दिमाग घुमा देने वाली चीजें पता ही चल रही है। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।